आपसे एक चीज शेयर करना चाहता हूं बिफोर आई आस्क यू द नेक्स्ट क्वेश्चन एक अच्छी लाइन मिली लाइफ इज नॉट अबाउट एक्सपेक्टिंग होपिंग एंड विशिंग लाइफ इज नॉट अबाउट एक्सपेक्टिंग होपिंग एंड विशिंग इट्स अबाउट डूइंग बीइंग एंड बिकमिंग जैसे आपका बीइंग ब्लिस yes. It's about the choices you've just made and the ones you are about to make. It's about the things you choose to say today. It's about the things you choose to say today. It's about what you're going to do after you finish reading this. Beautiful. Now let me ask myself do I agree? अब वो चॉइसेस की बात कर रहा है मैं तो मैं एग्री नहीं करूँगा लाइफ इज नॉट अबाउट एक्सपेक्टिंग होपिंग और विशिंग एक्सपेक्ट नहीं करेंगे एंबिशन नहीं होगा होप नहीं करेंगे कुछ मिलने वाला नहीं है और विश नहीं करेंगे तो फिर जिंदगी तो निरस हो जाएगी जब हम कहते हैं एक्सपेक्टिंग होपिंग एंड विशिंग मतलब ये होगा तो ये होना चाहिए ये हो जाए मेरे साथ तो बहुत अच्छा होगा तीनों की वजह से तो मैं जिंदा मैंने, मैं मैंने, दे दे मैंने विश किया था कि वो चले तो मेरी तो जिंदगी इसी पे और आप बोल रहे कि ये चीजें तीनों एंड चॉइस आपने क्या की थी उसमें चॉइस की थी घर बार छोड़ के भागा था इस काम के पीछे लगा था चॉइस मेहनत की थी इस फिल्म इंस्टीट्यूट में जाके पढ़ा दो साल घर से दूर रहा एक्सपेक्टिंग होपिंग एंड विशिंग जो तीन शब्द उन्होंने बताए इसका मतलब ये होगा तो आई विल गेट सक्सेस ये होगा तो आई विल बी हैप्पी ये हो जाना चाहिए मेरे साथ तो सब कुछ बहुत अच्छा होगा डिड यू जस्ट कीप वेटिंग एक्सपेक्टिंग होपिंग एंड विशिंग दिस डस नॉट मीन कि आप इस पे काम ही नहीं करोगे खाली होप करके बैठ के मंत्रा पढ़ोगे अब, दोनों में से कौन सा ज्यादा पावरफुल है मेहनत तो अपनी जगह थी मेहनत अपनी जगह थी क्या बनने के लिए मेहनत थी एक्टर बनने, बनने के लिए, के लिए। तो एक्टर बनने के लिए मेहनत करनी पड़ती है जस्ट बाय एक्सपेक्टिंग होपिंग एंड विशिंग नहीं बनेंगे चोजन टू बिकम आपने उस उसपे मेहनत की है अच्छा एक्टर बनना था तो मेहनत भी किस चीज पे करनी पड़ेगी उसी पे करनी पड़ेगी उसी ना में। उसी फील्ड में करनी पड़ेगी ये भी नहीं हो सकता था कि मेहनत किसी और फील्ड में करें एंड बन जाएं एक्टर ये भी नहीं हो सकता था जो चाहिए जो बनना है तो मेहनत भी कहाँ करनी पड़ेगी वहाँ करनी पड़ेगी खुशी चाहिए आई वॉन्ट टू बी हैप्पी सो वट डू आई वॉन्ट टू बिकम आई वॉन्ट टू बी अ हैप्पी बींग ना तो मेहनत भी कहाँ करनी पड़ेगी ऑन बींग है बहुत अच्छा बोला जैसे सिस्टम मुझे किसी ने बोला था कि अभी आप बॉम्बे जाओगे एक्टर बनने तो खाना पीने के लिए तकलीफ हो जाएगी तो आप ऐसे करो टेक्नीशियन बन जाओ मतलब किसी के असिस्टेंट डायरेक्टर बन जाओ साथ में सेट पे भी सबसे दोस्ती हो जाएगी मंथली इनकम भी हो जाएगी साथ साथ एक्टिंग के लिए रोल्स भी ढूंढते रहना मैंने बोला ये बन जाऊंगा तो वो कैसे बनूंगा फिर उन्होंने कहा कि फिल्म इंस्टीट्यूट चले जाओ तो वहाँ फॉर्म में लिखा था फिल्म इंस्टीट्यूट में कि अगर आपको एक्टिंग कोर्स में सीट नहीं मिलेगी तो आप डायरेक्शन में जाओ आप फोटोग्राफी में जाओ एडिटिंग में जाओ मतलब इतने सारे कोर्सेज थे ऑप्शन थे तो मैंने सारे ऑप्शन काटे एक्टिंग और नथिंग एल्स परफेक्ट, परफेक्ट जीवन का लक्ष्य क्लैरिटी व्हाट डू आई वांट टू बी एक था वहां क्यों थी और दूसरी जगह क्यों नहीं थी जीने में क्यों नहीं थी बिहेवियर में नहीं थी बाकी चीज़ों But में नहीं थी। बट पॉइंट इज जहां क्लैरिटी थी अटेंशन दिया एनर्जी वेंट देर रिजल्ट मिल गया अब यही कोई और भी hmm. कहेगा हाँ मुझे भी एक्टर बनना है मुझे भी बनना है एक्टर लेकिन उतनी डिटर्मिनेशन उतनी अटेंशन उतनी एनर्जी अगर उसमें नहीं देंगे तो वो नहीं बनेगा मेरे क्लास में 1974 में टीचर ने एक लाइन बोली थी आप लोग सभी यहाँ एक्टर बनने आए हो लेकिन जिसको 99.9 भी मोटिवेशन है वो नहीं बन पाएगा सिर्फ आई वॉन्ट हंड्रेड परसेंट motivation. जिसका होगा वही जाके एक्टर बनेगा Perfect. और एडमिशन से पहले किसी ने मेरे ब्रदर इन लॉ ने मुझे कहा कि हमारी जात वाला गांव वाला है वहाँ का प्रिंसिपल उस टाइम पे मैं उसके नाम चिट्ठी लिख दूंगा तो फिर मैंने कहा अगर उस चिट्ठी के बेसिस पे मुझे मिल जाए एडमिशन सिर्फ आठ स्टूडेंट लेते थे हजारों में से लाखों में से तो मैं जिंदगी भर यही सोचूंगा कि मैं तो टैलेंटेड नहीं हूँ Right. तो तब थी इसी थी इसी चीज में थी, में फील्ड ना बट उसी इक्वेशन को भी दूसरी फील्ड में भी लगा सकते हैं ना इक्वेशन राइट होनी चाहिए स्पिरिचुअलिटी ये, ये आप जो एपिसोड से बात कर इन में मैं किसी पे डिपेंडेंट नहीं हूँ खुशी के लिए मेरी अपनी विल पावर है आई विल बी हैप्पी हम्म hmm. मैं सिफारिश से थोड़ी खुश होऊंगा फिर इफ आई वांट टू बी हैप्पी देन वेयर डज माय कंप्लीट अटेंशन फोकस हैज टू गो दैट्स व्हाई सिफारिश से मुझे सीट मिलती मेरा कॉन्फिडेंस जीरो रहता एक्जेक्टली exactly. यार शायद मैं अच्छा एक्टर नहीं हूं मेरी विल पावर क्या हो गई कितनी हजारों गुना बड़ी कितना कॉन्फिडेंस है यही जब हम अपनी खुशी के लिए बिकड़ लेंगे कि मेरी खुशी सिचुएशंस पर नहीं डिपेंडेंट है मेरी खुशी अचीवमेंट्स पर नहीं डिपेंडेंट है जिस दिन मुझे ये क्लैरिटी आ जाएगी कि ये मेरी खुशी मेरी अपनी अर्निंग है मेरी अपनी क्रिएशन है मेरी अपनी कमाई है तो मेरा सेल्फ कॉन्फिडें नाउ फियर फियर कि मेरे जीवन में क्या आने वाला है कुछ भी आए कोई भी परिस्थिति आने, आने वाला है कॉन्फिडेंस है, Confidence है

क्योंकि ये एक्सपेक्टिंग होपिंग एंड विशिंग जब है तो सारी पावर किसको दे दी किस दूसरे को किसी दूसरे को सिचुएशन को पावर दे दी तो मैं हो गया कमजोर एब्सोल्युटली डिपेंडेंसी जहां डिपेंडेंसी आएगी वहां फियर आएगा होगा या नहीं होगा या नहीं अब सेकंड लाइन इट सेज इट इज अबाउट डूइंग बीइंग एंड बिकमिंग

परिस्थिति को पर। सिचुएशन को एंड दिस इज समथिंग वी नीड टू सी बिकॉज वी आर डूइंग इट एवरी डे हम पावर किसको दे रहे हैं इवन आई लीव हाउस फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग आई एम होपिंग दे विल बी नो ट्रैफिक जैम ऑन द रोड मैंने पावर किसको दे दी क्योंकि अगर ट्रैफिक जैम होगा मैं लेट तो पहुंचूंगी इज वन पार्ट ऑफ द थिंग लेकिन ट्रैफिक जैम होगा आई गेट इरिटेटेड मेरे पास अपनी पावर नहीं है मेरी खुशी किस पर डिपेंडेंट है सिचुएशंस और लोगों के ऊपर दैट इज एक्सपेक्टिंग होपिंग एंड विशिंग दूसरी लाइन डूइंग बीइंग एंड बिकमिंग ये तीनों फैकल्टीज किसकी हैं मेरे इट्स अबाउट चॉइस घूम घूम पे मेरे पे आ जाते हो है ही सारा खेल वहाँ अगर मैंने कहा ये ठीक होगा ये ठीक होगा ये ठीक होगा ये अच्छे होंगे ये ठीक से बात करेंगे आप मेरा... तो ब्लेम करने का मौका ही नहीं दोगे क्या मुझे किसी को ब्लेम इसलिए भी नहीं कर सकते क्योंकि इक्वेशन ही नहीं वर्क करती है बच्चा पास हो जाएगा आई एल बी हैप्पी बच्चा अच्छा परफॉर्म करेगा आई एल बी हैप्पी करियर अच्छा होगा आई एल बी हैप्पी प्रोफेशन में सक्सेस आई एल बी हैप्पी कोई मुझसे प्यार से बात करेगा आई एल बी हैप्पी कोई मुझे रिस्पेक्ट देगा आई एल बी हैप्पी

लेकिन खुद शूटिंग हुई नहीं ठीक से तो हाउ आई बी हैप्पी तो यही सुन रहे घर में परिवार शांत रखेगा तो बाहर भी शांत रहेंगे घर में अच्छा रहेगा तो बाहर भी अच्छा रहेगा और उससे भी जब हम छोटे थे जब गिर के रोते थे तो माँ बाप बोलते थे चींटी नहीं गड़बड़ की चींटी को मारते टेबल मा, ने लगाया मार के चलो टेबल को दो थप्पड़ मार के गए टेबल तो कितने गंजा सुरेश को ऐसा किया हम लोग खुश हो जाते क्या सिखाया हमको यही सिखाया कि इसकी वजह से हुआ ना तो टेबल की वजह से तो तुमको चोट आई चलो टेबल पे को मारो इट वाज नॉट Taught to us only right from the beginning हमें सिखाई ही नहीं गई ये तो बात तो मतलब तो पसंद भी तो आती थी सिखाई नहीं सिखाई क्योंकि हमेशा ब्लेम करना तो पसंद आएगा हमारी इक्वेशन क्या बन गई जीवन की सिचुएशन क्रिएट्स माय स्टेट ऑफ माइंड परिस्थिति मेरे मन की स्थिति को क्रिएट करता है एंड वी लिवड आवर लाइफ लाइक दिस

नहीं है, बिल्कुल right, नहीं है। जैसे आपने कहा एक्सीडेंट हो गया और परिस्थिति का इफेक्ट सबको होता है परिस्थिति का इफेक्ट हर एक पर होता है लेट्स लुक एट इट हाइपोथेटिकली अभी जैसे आपने कहा एक सिचुएशन हम दस लोगों पर पर आ जाए पर। एक ही परिस्थिति इवन लेट्स से कि शूटिंग नहीं हो रही थी ये भी तो एक सिचुएशन ही थी और हम हर एक का रिएक्शन अलग अलग यही बोल रहे आप चाहे बट ये इम्पोर्टेंट नहीं है क्या ये इम्पोर्टेंट नहीं है परिस्थिति का इफेक्ट हमारे ऊपर होता है जब परिस्थिति एक होगी और परिस्थिति का इफेक्ट हमारे ऊपर होगा तो हरेक का रिएक्शन कैसा होना चाहिए फिर आपने एक बार ये बोला था एक इंग्लिश एपिसोड में कि हर इंसान अलग अलग टाइप का होता है एक ही तरह के सब लोग हो जाएंगे तो दुनिया में क्या मजा आएगा परफेक्ट तो एक का रिएक्शन अलग अलग होगा वो तो लिखा बाय बर्थ है हाँ, अच्छा बाय बर्थ मतलब किस पर डिपेंडेंट है टेन पीपल मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है ये किसने मैन्युफैक्चर किया अरे अगर एक गाड़ी नहीं, अभी आप पहले ये में बताओ कि दस लोग हैं एक आदमी का नेचर है कि ज्यादा चिल्लाएगा दर्द में एक बच्चा कम परफेक्ट एक्सेप्टेड इवन इफ वी नेचर है हुँ. मतलब फिर जो रिएक्शन है वो किस पर डिपेंडेंट है मेरे ऊपर नेचर मेरे नेचर हूँ ना मेरी नेचर पर है ना हाँ नेचर भी तो मुझे मिला ना किसकी नेचर पर है दिस इज वेरी मेरी नेचर, नेचर पे तो मेरे पे? बाबा हाँ. से मिला नेचर मेरी, मैं फाइनली ब्लेम करूंगा ऊपर वाले को वो वो उसने मुझे <laughs> दिया फिर मैं ब्लेम करूंगा मेरे मंथ को हूँ मैं दिसंबर में मेरी बर्थ है तो वो मेरा नेचर है अपने ऊपर तो अभी भी नहीं आने दूंगा मैं पहले ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेना कि मेरी नेचर से रिएक्शन है ठीक है इतना ले ले तो सिचुएशन पर ब्लेम करना बंद करें ठीक है नहीं पहले एक, एक एक इक्वेशन को चेक कर ले। फिर नेचर के बारे में बाद में देखिए परिस्थिति आई परिस्थिति आई मैं ज्यादा चिल्लाया कोई कम हम दस लोग हैं यहाँ पे मुझे ज़्यादा सभी सुबह एक ही टाइम पर उठे थे सभी उतने ही थके हुए हैं सभी के लिए सिचुएशन सेम थी लेकिन सभी उतने नहीं थकते ना जो ज्यादा सोचता है वो ज्यादा थकता तो है जो ज्यादा जो ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है वो ज्यादा थकता है जो हाइपर जिसको ब्लड प्रेशर हाई होता है वो ज्यादा चिड़ता है सभी कैसे हो गए अच्छा ये हाई ब्लड प्रेशर भी क्यों हुआ उसको सोच सोच के. सोच, सोच के के सो फाइनली रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके ऊपर आई अब अब अभी भी अगर हम कहेंगे सिर्फ इस टाइम भी इवन इफ आई एम द द वन रिएक्टेड लेट्स से मुझे सबसे ज्यादा गुस्सा आ गया आज सारा दिन में लेकिन अभी भी अगर मैं सिर्फ इतना एक्सेप्ट कर लू और रियलाइज कर लू सिचुएशन थी मेरे लिए फेवरेबल नहीं थी लेकिन मेरा जो रिएक्शन था वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी था मेरी क्रिएशन था मेरी चॉइस था लाइफ इज अबाउट मेकिंग झगड़ा कर रहा हूँ एक, एक सेकंड में मेरे ऊपर पत्थर गिरा आधे सेकंड में मैं चूज भी कर लिया कि चिल्ला करोगे टी करोगे टा करोगे आधे सेकंड में चॉइस कर ली मेरी चॉइस ये जो चॉइसेस हमारी बन रही है हमारा थिंकिंग प्रोसेस जो बन रहा है वो आज नहीं बना है ना बचपन से परिस्थितियाँ आई ना हमारे सामने hmm. हर बार लेट्स से अगर मेरे अंदर गुस्से का संस्कार नेचर आपने कहा माय नेचर लेट्स से मेरे अंदर बाय बर्थ है ये गुस्से की नेचर फिर आपने कहा फैमिली से मिली लेट्स से मुझे गुस्से की नेचर फैमिली से मिल गई फिर लेट्स से मेरे सामने सिचुएशन भी बहुत अच्छी नहीं आई जीवन में चैलेंजेस ज़रा ज़्यादा आते गए मेरे लाइफ में और हर बार मैंने जो चॉइस की ऑफ रिस्पॉन्डिंग टू सिचुएशंस वो उस गुस्से की नेचर से थी तो वो जो मेरे गुस्से की नेचर है वो डे बाय डे क्या होती गई पक्की होती री एनफोर्स मैंने बार बार उसको यूज किया बार बार उसको यूज किया बार बार उसको यूज किया जब हम कहते हैं मेरी नेचर विच मीन्स इट्स बिकम माई वे ऑफ लिविंग इट्स बिकम ना बिकम इज नेचर हम उसको चूज नहीं करते हैं वो अपने आप हमारे जीवन जीने के तरीके में आ जाती है अब जब आज शूटिंग नहीं हुई तो आई विल रिस्पॉन्ड थ्रू माई नेचर आई डोंट इवन रियलाइज आई एम मेकिंग आज अगर आप डिसाइड करें लेट्स से आप एक थॉट क्रिएट कर लेते हैं आज कि अगर अब इसके बाद शूटिंग नहीं ठीक हुई या कोई और दूसरे चैलेंजेस आ गए सामने चाहे कुछ भी हो जाए एंड चाहे कुछ भी हो जाए आज एक दिन के लिए सिर्फ आज मैं गुस्से के बजाय कोई और चॉइस कर लेता जैसे कि मंगलवार को मैं वेज नॉन वेजिटेरियन नहीं खाता हूं चाहे शादी भी होए पार्टी होए भाई का बर्थडे हो right. अमेरिका में हो लंदन में नहीं हो ऐसे ऐसा मतलब तो एक अलग चॉइस तो सेम सिचुएशन आएगी कल फिर से सेम सिचुएशन आएंगी हो सकता है आज रोज मंगलवार का दिन सेम सिचुएशन आएगी क्या आप एक डिफरेंट चॉइस कर सकते हैं कल समझ में नहीं चाहिए तो हाँ हो नहीं नहीं आज दिन तक यही तो हमने किया है ये सारे जो थोट्स आप हमारे साथ शेयर कर रहे हो हम सबने पढ़े हुए है न Hmm. हमारे पास रोज ईमेल पर आ जाते हैं हम रोज फेसबुक पे पढ़ लेते हैं रोज हमें कोई थॉट फॉर द डे भेज देता है रोज हम न्यूज पेपर में एक पावरफुल मैसेज हम को शेयर कर देते देते भेज भी देते। लेकिन हम क्या करते हैं पढ़ते हैं सुनते हैं सब अच्छा भी लगता है वेरी नाइस थॉट लेट मी शेयर इट विद हम सबको भेज भी देते हैं लेकिन क्या हम उस पर मनन करते हैं फेसबुक पे हजारों लोग पढ़ते हैं मतलब कुछ लाखों Yes. उसपे कुछ लोग बोलते हैं कि आपका पढ़ने के बाद आज हमें फायदा हुआ लाखों में से एक तो बोलता है राइट right. तो वो कौन किसको फायदा होगा जो उस बात को जिस बात को उसने पढ़ा उस बात को जीवन में उसी दिन अप्लाई करेगा चिंतन किया मनन किया एक्सपेरिमेंट किया उसको इफ आई एम रीडिंग दिस लाइन टूडे लाइफ इज अबाउट दैट आई मेक इट इज अबाउट डूइंग बींग एंड बिकमिंग नॉट अबाउट एक्सपेक्टिंग होपिंग एंड विशिंग बात बताऊं आपको hmm. जब इस एपिसोड के बिगिनिंग में जब ये डूइंग बिकमिंग और ये क्या था वर्ड आपका बीइंग बीइंग जब मैंने पढ़ा ना मुझे खुद उतना क्लियर नहीं था जितना आपने समझाया अभी दिस इज व्हाई वी नीड टू चर्न ऑन इट नाउ व्हाट डज इट टेल मी कि सिचुएशन कोई भी आएगी आपके सामने परिस्थितियां आज सारा दिन में आप आज सभी जो ये पूरा परिवार हमारा प्रोग्राम देख रहा है टीवी ऑफ करेंगे एंड दैट्स द लास्ट लाइन इज सो ब्यूटिफुल द चॉइस दैट यू मेक आफ्टर रीडिंग दिस आज प्रोग्राम आप पूरा करेंगे यू स्विच ऑफ द टी वी आपके सामने आपका चैलेंज रेडी वेट कर रहा है कोई भी बात कोई फोन कॉल आ जाएगी बच्चा कोई तरह से व्यवहार कर देगा कोई ठीक से बात नहीं करेगा मुझसे कुछ भी हो सकती है ना बातें तो सारा दिन आएंगी इट्स अबाउट द चॉइस आई मेक

जो करोगे सो भरोगे बट अब नहीं जो करोगे सो भरोगे वो तो अलग चीज है वो तो लॉ ऑफ कर्मा है यहाँ है कि जो आप करोगे वैसी फीलिंग आपकी क्रिएट होगी ओके 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 अब तो, मैं जो करता हूं, right. हूं। तो पहले मैं फील करता हूँ उसको फिर, मैं हूं, और फिर जो मैं एक्शन में लाता हूँ संस्कार बन जाता है वो मैं ही बन जाता हूँ बींग हो जाता अभी जो आपने कहा कि शूटिंग ठीक नहीं चल रही बीइंग द बींग इफ द बींग इज अपसेट अब ये अपसेट बींग की फिर डूइंग कैसे होगी बात करने का चिर्ण तरीका काम करने का तरीका तो वो क्या हुआ वो एनर्जी मेरी बाहर रेडिएट हो गई ये एनर्जी बाहर रेडिएट हुई जो कर्म मैंने किया उस कर्म का मुझ आत्मा पर प्रभाव भी पड़ेगा और फिर ये मेरा काम करने का तरीका ऐसा बन जाएगा सो बींग डूइंग

बहुत सुंदर हो जाएगा क्या कर देंगे वातावरण अच्छा हो जाएगा लोग उनसे अच्छी बात करूंगा लोग भी खुशी खुशी काम करेंगे उनकी एनर्जी अच्छी हो जाएगी एंड फिर जो डूइंग जो वर्क था उसके ऊपर रिजल्ट क्या आएगा उसका बड़ा पॉजिटिव रिजल्ट आएगा इसका मतलब एक था परिस्थिति ने मेरे मन की स्थिति पर प्रभाव डाला जो हमने पहले इक्वेशन देखी और अब जो इक्वेशन हम देख रहे हैं मेरी मन की स्थिति परिस्थिति के ऊपर इफेक्ट डालती है आपने और कहा मन की पहले आपने कहा शूटिंग नहीं हो रही तो ऑब्वियसली मैं इरिटेट होगा विच मींस परिस्थिति ने मैं मन की स्थिति पर इफेक्ट डाला अब आपने कहा इफ तो जाएगा बी काम कंफर्टेबल लोगों से बात करने का तरीका चेंज हो जाएगा तो परिस्थिति क्या हो जाएगी बीइंगूइंग इफेक्टिंग सिचुएशन इक्वेशन इज वेरी इंपोर्टेंट इसलिए जो वो लाइन उसमें दी है कि व्हाट चॉइस आर यू गोइंग टू मेक आफ्टर यू फिनिशिंग रीडिंग दिस थॉट नाउ वी हैव टू आस्क व्हाट चॉइस एम आई गोइंग टू मेक आफ्टर आई फिनिश वाचिंग दिस प्रोग्राम फोकस ओनली ऑन वन थिंग द बीइंग बीइंग मीन्स हाउ विल आई बी टुडे हाउ विई बी टूडे अभी हम कह रहे थे सिचुएशन अच्छी होगी तो आई विल बी हैप्पी अब हम सिचुएशन पर ध्यान न देकर सिर्फ एक ही चीज पर ध्यान देते हैं

बहुत भयानक एक उसकी परिस्थिति खराब आ गई चेहर और वो अंदर ही अंदर सबको पी गया अंदर से तो दर्द और ऊपर से, से हंस के मिल रहा है मैं ये बात समझता था कि चीज करेक्ट है देखो कितना पी जाता है सब चीज को अंदर से तो रो रहा है लेकिन बाहर से पता नहीं चलने देता एक्चुअली मैं ये समझता था is, नहीं, स्ट्रेंथ मतलब ये नहीं कि आपने दुख क्रिएट किया लेकिन दुख को अंदर दबा दिया आपका मतलब है दुख क्रिएट ही नहीं होगा स्ट्रेंथ मतलब कि आपके सामने परिस्थिति इतनी डिफिकल्ट आई कि आपका इतना नुकसान हो गया hmm. आपकी सिचुएशन सारी अनफेवरेबल थी लेकिन आपने उस परिस्थिति में भी अपनी स्थिति को कैसे रखा कि क्योंकि ठीक है आई विल क्रॉस दिस आल्सो व्हिच वी सी सो मेनी पीपल डूइंग दैट स्टेबिलिटी स्टेबिलिटी कॉन्फिडेंट जैसे किसी को 100 बुखार भी होगा hmm. वो भी एक परिस्थिति लेकिन उनकी मन की स्थिति ऐसी हो जाएगी कि जैसे पता नहीं उनको कौन सी बीमारी हो गई है हाए, 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 मैं तो मर गई। कोई हमें लोग मिलेंगे जो लास्ट स्टेज ऑफ कैंसर में है लेकिन उनकी मन की स्थिति ऐसी होती है हाँ सब ठीक है आई विल क्रॉस दिस ब्यूटिफुल तो कौन बड़ा कौन बड़ा क्रॉस करने वाला परिस्थिति या मन की स्थिति अब हम कहेंगे हाय इसको तो कैंसर है लेकिन जिसको वो है उसने अपनी मन की स्थिति को परिस्थिति से कई गुना ऊपर उठा लिया है तो उस व्यक्ति के लिए परिस्थिति बहुत छोटी है लेकिन जब हम परिस्थिति को बहुत ऊँचा उठा लेते हैं हम कहते हैं जी बात इतनी बड़ी थी आपको पता है कितनी बड़ी बात थी तो हमने परिस्थिति को क्या कर दिया बड़ा, परिस्थिति बड़ा। को बड़ा कर दिया क्यों क्योंकि हमारी स्थिति उस टाइम इतनी थी आप देखो एक ही परिस्थिति में दो लोग बहुत इंटरेस्टिंग तरह से बात करते हैं एक जना कहता है कितनी बड़ी बात थी दूसरा कहता है छोटी सी तो बात थी बात सेम होती है वाइफ में झगड़ा भी हो जाता है। हस्बैंड वाइफ में भी हो सकता है अब ये एक को वो बात बड़ी और एक को वो बात छोटी क्यों लग रही है मन की स्थिति पर डिपेंड कर रहा है जिसको दर्द ज्यादा हो रहा है मतलब अनइजीनेस फियर इनसेक्योरिटी कोई भी प्रकार का पेन उसके लिए वो बात बहुत बड़ी है hmm. लेकिन जो अंदर से स्ट्रोंग है कॉन्फिडेंट है पॉजिटिव है पावरफुल है उसकी स्थिति बहुत बड़ी है तो उसके लिए वो बात बहुत छोटी है जब तक हम कहते रहेंगे कि परिस्थिति का मुझ पर प्रभाव पड़ता है तो हमने किसको बड़ा बना दिया

अब यही अगर हर परिस्थिति में ये पंडित तो people, please, मुझे थोड़ी सी रिस्पेक्ट दे दो प्लीज हाँ। थोड़ा सा मेरा कहना मान लो लोग जब मेरा कहना नहीं मानते तो मुझे गुस्सा आ जाता है क्यों मतलब उनका कहना मानने पर मेरी खुशी डिपेंडेंट है ना

जो आपने कहा रॉयल्टी पावर वो कहेगा परिस्थिति ऐसी आई एम लाइक दिस अगले एपिसोड में हम बात करेंगे रॉयल्टी मास्टर और विक्टिम की शांति sure. We give power to the other person or situation and thereby become weak. The situation is a stimulus. The response to the situation is our creation and is completely our choice. Our state of being influences the situation. That is, the being comes into the doing. Anything done repeatedly then becomes a habit. So, being, doing, and then becoming is our choice. If you wish to discuss your problem or have a question to ask or want to know your nearest Raj Yoga Meditation Center, write to us at